विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर आज 20 सितंबर से दो स्पेशल ट्रेन कालका से सोलन तक चलना शुरू हो चुकी है। इससे पहले कालका से कोटी तक ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब 70 दिन बाद यात्रियों को लेकर ट्रेन हिमाचल की ओर आएगी। लेकिन आज सुबह जो ट्रेन सोलन पहुंची है उसमें सिर्फ 10-15 यात्री ही पहुंचे थे। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शिमला तक ट्रैक बहाल हो जाएगा और हिमाचल की वादियों का सुहाना सफर ट्रेन के माध्यम से फिर से शुरू होगा। बता दें कि इससे पहले सोमवार व मंगलवार को रेलवे विभाग ने ट्रैक पर मालगाड़ी को चलाया था। मालगाड़ी के सफल ट्रायल के बाद बोर्ड ने ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। कालका से कुम्हाटी तक मालगाड़ी के जरिए ट्रायल किया गया है। यह ट्रेन जुलाई माह में हुई बारिश के बाद ट्रैक खराब होने के बाद बंद हुई थी। जानकारी के मुताबिक 045-06 ट्रेन सुबह 4:30 पर सोलन के लिए चलेगी। ट्रेन करीब 7:15 सोलन पहुंचेगी। यह ट्रेन सोलन से सुबह 9:10 पर चलकर 11:55 कालका पहुंचेगी, जबकि दूसरी 045-16 ट्रेन 12:10 कालका से चलेगी और दोपहर 2:55 सोलन पहुंचेगी। ट्रेन शाम को 5:00 सोलन से चलकर शाम को 7:45 कालका पहुंचेगी।